रेस्ट करने के लिए रखेंगे दिक्कत होगा ना, इसीलिए हम बेस बता दिए आपको, यहाँ भी बताए आप समझ रहे हो, वही बेस हम बना के ले आए हैं, क्योंकि अब यहाँ लाएंगे 40 मिनट वो बेक होगा, फिर आधे घंटे वो ठंडा होगा, तो भी टाइम लग जाएगा आपको। आइसिंग करने के पहले कितना टाइम केक मतलब ऑयल होने के बाद, केक बन गया आधा घंटा एक घंटा के बाद ठंडा होने, ठंडा होने, ठंडा टच करके देख लीजिए, जैसे एक घंटा क्योंकि जब तक क्रीम हमारी मेल्ट हो जाएगी, अगर हमारा गर्म रहेगा तो ये हमारा मेल्ट हो जाएगा, अगर आपको सुबह करना है तो शाम को बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शाम को बनाना है सुबह कर पाना, नहीं नहीं ये हार्ड हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा बना के, नहीं रखना नहीं है, स्पंज नहीं रखना आपको, तीन लेयर हम कितना भी हमारा पतला स्पंज हो जाए लेकिन हमको काटनी तीन ही लेयर है, तो बारीक भी हो, हाँ तीन ही लेयर काटना है, आराम से ऐसे सेट कर लीजिएगा कि मतलब तीन हमारा निकल जाए, हथियार भी चाहिए तो नहीं आप लोग नाइफ से काट लीजिएगा, नाइफ से नहीं करता सही बता रही हूँ, अगर दूसरी चीज आप नाइफ से ऐसे गोल गोल करके एक माफ कर लीजिएगा कि हमको इतना मोटा, उसके बाद धागा करके ऐसे खींच दीजिएगा, अगर फिर भी ना कटे तो आके मेरे से ब्रेड नाइफ ले जाइएगा। हाँ हाँ ये पूरा पाउंड के देंगे, पाउंड वाला मैम मेरा ये मीडियम में करेंगे, ठीक है देखो तीन चार दो तीन मिनट हम मीडियम में इसको भी करेंगे, ठीक है, इसमें अलग अलग डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, हाँ मैम आप नीचे कच्चा रखा है बाउल के, बाउल का कच्चा नीचे से नीचे से, हाँ उसी तरफ दिए हैं, कोशिश करिएगा तो प्लास्टिक चाहिए बाउल में करिएगा, किसी चीज में करते हो उसमें दागा जाता है, ठीक है, ये बाउल विशाल में मिलता है 99 में दो, ठीक है, देखो क्योंकि अगर कोई जाता है तो एक बार ग्रुप पे डाल दो, अगर किसी को कोई जरूरत हो तो आपको बता दे तो ला दो, कोई कोई बात नहीं, हेल्प करना चाहिए क्योंकि किसी भी जाने के लिए भी समय होना चाहिए ना, कोई भी जाओ एक बार मैसेज कर दो, जिसको जो मंगाना होगा वो जल्दी से मैसेज आ रहा है, एक बार ऐसे डिफरेंस को खोल दीजिए, उठी फिर बंद कर दीजिए, उसमें कल मेरा बाउल जल गया था, लेकिन अभी आपको जानना जरूरी है क्रीम मेन होती है, तो इसलिए हम इसको यहाँ कर रहे हैं, जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा हम इसको यही रिलीज करके आपको केक पे अप्लाई करके दिखाएंगे, क्या है नहीं घर का है बिल्कुल हो जाएगा, वो भी हम आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता, लाइट थोड़ा कम रहता है ना, इसलिए मशीन उतनी अच्छी चलती नहीं है, मैम गर्मी रहेगी मतलब कभी हमें आइस वगैरह नहीं होना चाहिए, पानी भी कुछ नहीं, ऐसे ही बेक करना है, क्या ठंडी हो जाएगा, गर्म तो नहीं होती है, कम आती होगी गर्म, ज़्यादा क्रीम होगी तो होगी, अभी मतलब क्रीम नहीं गर्म होती इससे करने के
गिर जाएगी, इसलिए नीचे इसको करना है। अभी देखो डिजाइन होल्ड कर रही है ना हमारी, ये देखिए किनारे वाली क्रीम हमारी साइड रह जाती है तो वो नहीं पाती है। ठीक है, इसको स्पैचुला के सहारे से बीच में कर लेना, फिर चलाना। मैम जैसे मतलब इसको प्रैक्टिस के लिए करें तो ये क्रीम यूज करके करें, क्योंकि दोबारा फिर यूज़ हो जाएगा ये। हाँ फिर यूज़ हो जाएगी। अगर ज्यादा बन गई क्रीम को बीट करने के बाद क्या होगा, ज्यादा क्रीम बन गई बीट करने के बाद सोना भी करके बोला गया, नहीं बोला ना अभी, अभी वो आवाज़ नहीं की, ऑटोमेटिक ऑफ होगा, गोल्डन हुआ अभी ऑन होगा, अंदर कच्चा होगा। इसको मतलब पाइपिंग डाल से रखे फ्रीजर में डाल सकते हैं, कितने दिन तक डाल सकते हैं, डाल सकते हो तीन चार दिन, अच्छा फ्रीज में रख सकते हैं वो क्रीम, आप महीना डेढ़ महीने फ्रीजर में बढ़िया से पैक करके रख सकते हो। ठीक है, निकाल के फिर करना पड़ेगा, फिर से यही करना पड़ेगा ना। देखिए आप हमारी क्रीम आपको लग रही है बढ़िया प्रॉपर बीट हो गई है, देखिए अभी क्रीम पूरे डिजाइन होल्ड कर रही है ना, देखिए अब इसको ऐसे उठा के आप ऐसे कटोगे नहीं गिरेगा, लेकिन आप करने से पहले हमारे चूल्हा से कर लेना ना, आप ऐसे ही देख लेना जिससे ऐसे पहाड़ से बनने लगे, देख पता लगा सारी के साथ ऐसा। ठीक है जैसे कर दो, क्रीम होल्ड कर रही है आपकी क्रीम रेडी हो गई है, देती थी ठीक है, ताकत नहीं यूज करना नहीं खराब हो जाएगी। इसके नीचे में थोड़ा कट कर देते हैं, नहीं एयर ले लेगा अभी ये, किसी में क्रीम आप रख करके रबड़ लगा के इसको फ्रिज में आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीजर में भी है ना, फ्रीजर में नहीं बहन, नहीं गर्मी में मेल्ट होती है ना बहुत भयंकर गर्मी, ये बीच की हुई क्रीम आप नहीं रखोगे फ्रीजर में, कभी भी नहीं रखोगे, गर्मी हो चाहे जो भी हो नहीं रखोगे, उसमें आइस हो जाएगा फिर बाद में मेल्ट होगी ना, निकाल देगी खराब हो जाएगी क्रीम आपकी, इसलिए नहीं रखिए। देख रहे हो आप क्रीम को, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। मैम इसको ग्लास में लगा के फिर भर सकते हैं, ग्लास में लगा के भर लेना, स्पैचुला से भरो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है बाकी आप ग्लास में किसी भी चीज में इसको ऐसे सेट करके यूं ऐसे पलट के क्या बताइए, कलर कलर मिलाएंगे बहन, मिलाएंगे वो भी बताएंगे, कलरफुल बनाना, कलर नीचे वाले चख लो, ये मीठी है पूरी क्रीम, मीठी है मीठी है, शुगर इसमें आती है। हाँ ये हमारा रेडी हो गया है, एक को थोड़ा सा काटिए, ये नो जेल आप उसमें डालें, मैं वो भी बता दूँ आपको, जब इसको दीजिए, नो 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 नो, पहले ये आप डाल दीजिएगा नो जेल, उसके ये वन एम की नो जेल है, ये डिजाइन हम आपको बताने जा रहे हैं, वन एम इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है वन एम इसमें लिखा हुआ है, वन एम की नोजल है हमारी जो हम आज यूज करने बता रहे हैं आपको। ठीक है, वन एम मतलब मैडम आपके पास है, ये नंबर है, नंबर होता है, अगर आपको नहीं पता है आप पहली बार सीख रहे हो ना तो आपको चले जाओ कंफ्यूज हो जाओगे, और सारी चीजें हमारी यूज की नहीं होती है। ठीक है, इसको हम इतना काटते हैं, जो हमारा ये कट है ना इसके ऊपर हमारी पन्नी होनी चाहिए तभी लेयर हमारा अच्छे से निकलता है। ठीक, ये ठीक, ठीक है नीचे थोड़ी सी क्रीम रख देते हैं, क्रीम इसलिए रखते हैं मैम ताकि उप जाए ऊपर ना, स्लिप ना करें, क्रीम नीचे लगती भी है। ठीक से ये प्लास्टिक का रहता है, हां ये तो है ना, जिसके पास नहीं हो सामान सारा मिल जाएगा। ठीक है मैम, मशीन नहीं मिलेगी मैम, पहले देखो ये सही मंगाया था मेरे से, मैं ले आई हूँ एक मशीन वो बची हुई है, वो 650 की है। अच्छा ठीक है, क्योंकि वो कई बार मंगाई थी और वो मशीन हम यूज भी कर रहे हैं। इसमें क्या मैम सिरप है क्या? हाँ ये चीज मैंने नहीं बताया, इसमें
आप हाफ कप पानी ले लोगे, उसमें वन टेबल स्पून आप चीनी डाल लोगे, बढ़िया से ऐसे शुगर डालो, ऐसे भी डालो, कोई दिक्कत नहीं बस। और खाली पानी से भी अगर आपको बहुत मीठा नहीं चाहिए तो आप खाली पानी से पानी गर्म करके चीनी कर, नहीं नॉर्मल नॉर्मल चीनी मिला ली, शुगर चिकन जी टाइप शुगर ये कंपलसरी होता है। हाँ ये आपको डालना ही है सोप के लिए। हाँ शुगर एक चम्मच, आधा कप पानी, वन टेबल स्पून समझ, और एक तो मैम ये दो लेयर रखते हैं काटने के बाद, तो इसमें पहले कौन सी लेयर रखेंगे? टॉप लेयर, टॉप लेयर, ये टॉप लेयर ही है हमारा, जब ऐसे पलट दिए टॉप लेयर नीचे चला गया ना, वही फर्स्ट लेयर रखते हैं हम, क्योंकि इसके नीचे देखो ये कलर आ जाता है, ये नीचे जाता है, हम इसको उठा करके इस पे रखना भी बताएंगे ना आपको अभी, इसीलिए टर्न टेबल पे बता रहे हैं। चीनी पानी है ना? हाँ पानी बढ़िया से डालिएगा, ये स्प्रे करने का भी सही है, मैम बहुत मीठा हो जाएगा ये तो। ज्यादा क्रीम नहीं भरी है, फिसल पाया मेहंदी वाले अच्छे काम करेंगे, ऐसा नहीं है इसको मेहंदी लगाना अच्छा जाता है, जो हमारा वनीला आइसिंग और केक बनता है उसमें कोई क्रश नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम इसमें क्रश आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है, वनीला वाले में नहीं पड़ता है। हाँ हाँ वो बताएंगे अभी, जो आपका नेक्स्ट वाली आइसिंग बताएंगे वो क्रश की ही बताएंगे, ठीक है, मतलब इसके बीच में जब हम ये क्रीम लगा रहे हैं ना इसके ऊपर हमारा पड़ता है ऊपर, अच्छा, वो क्रश वाला हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ये बीच वाला आपके पास छोटा पैक है ना क्रश का, पाइन एप्पल मिल जाएगा अभी बस बस, और कोई नहीं है? नहीं टेबल लेना, ले लेना है ना आपके पास? हाँ अभी तो है, नहीं मेरे लिए रखे रहिए, मैं शाम तक आऊँगी, थोड़ा काम है, छुट्टी भी जाना है, बड़ा दिमाग खराब है। घर पे बनाओगे तब पता चलेगा, भी कितना भी कहें समझ में नहीं आएगा, वही तो मैं देख रही हूँ मैम, उसमें ही इतना होता है क्या बर्तन बड़े छोटे होते हैं, सब में चिपका रहता है, स्पीड होगा ना मेरा तो कहीं ना, भगवान की दया ऐसे मतलब ने अच्छा क्वार्टर बना दिया कि किचन में स्पेस ही नहीं है, कमरे में लेके बैठा तो बच्चे इधर से लेके भागते हैं उधर से लेके भागते हैं, हम ज्यादा क्रीम वाला अच्छा नहीं लगता लेकिन टेस्ट में ना, लेकिन बहन क्रीम तो देनी ही है, देखिए जब हम केक बनाते हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्लास करें, जो हमारा ऐसे कटिंग हो तो हमारा एक लेयर क्रीम का पूरा दिखना चाहिए और हमारा केक का भी लेयर दिखना चाहिए, कभी भी केक कटते हुए आप देखोगे तो लेयर अभी हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे, ठीक है, हाँ लेयर होनी चाहिए, आप अपने लिए बना रहे हो तो चलो ठीक है थोड़ा ही लगा लो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दे रहे हैं तो सही से तो फिर आपको प्रॉपर बना, ये हमारा लास्ट लेयर था, ठीक है लोअर वाला था, हम इसको यूं पलट के रखेंगे, आप लोग पहली बार रखना तो इसको ऊपर रखना ताकि फिनिशिंग आ जाए, क्या है कि हमारा क्रश आ जाता है कभी कभी, इस ब्रेड का क्रश आ जाता है, लेकिन मुझे ऐसे रखना अच्छा लगता है तो हम ऐसे रख लेते हैं, आप लोग फिनिशिंग के लिए इस चीज़ को पलट के भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, ये क्रश आपका क्रीम में नहीं आएगा, हाँ वो वहाँ पे हल्की रखे हैं, जब हम क्रीम में आइस करते हैं आइसिंग करते हैं तो आइसिंग करने के बाद कम से कम पौन घंटा हम इसको फ्रिज में रखते हैं तब हमारा ये स्पंज और क्रीम सेट होता है, कौन पौन घंटा 40 मिनट कम से कम 40 मिनट एक घंटा दो घंटा रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मान लो कभी किसी को दे रहे हो ना तो ये जरूरी है कि आपको एक घंटा 40 मिनट नहीं बहन फ्रिज में, अब आपको फ्रिज कब काम करता है, आपको ये फ्रीजर में रखने की जरूरत है, उसके बाद आपको कोई चीज फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना याद रखना, क्रीम कभी भी लगाना तो पाइपिंग बैग से लगाओगे तभी फिनिशिंग आएगी, ठीक है, आप इसको स्पून से भी कटोरी में पानी लेके डाल सकते हो, ठीक है, हम कल वो भी ले आएंगे तो आपको स्पून से ही डालना बता देंगे, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको बोतल ही चाहिए, ठीक है, वो आ रही है स्पून से भी डाल सकते हैं, हाँ डाल सकते हैं, हम नेक्स्ट वाले क्लास में आपको स्पून से ही बताएंगे, ठीक है, ये सिर्प डालना भी जरूरी है मैम, हाँ वही तैयार
मेल होगा बहन, जब मैं गर्मी के मौसम में बनाती थी ना तो फ्रिज के सामने ही बैठती थी, आपको भी बैठना होगा, परेशान नहीं होना चाहिए। ये दो फ्लावर बनाओगे क्रीम इतनी मेल्ट होने लगेगी ना, फ्लावर नीचे आ जाएगा बैठ के, तो बस दो ही फ्लावर बनाने के बाद क्रीम को आपको फ्रिज में रख देना, फ्रिज के गेट के सामने ही बैठना है। ये फ्रिज में रख सकते हैं ना, ये अभी सब कुछ फ्रिज में रख सकते हो, फ्रीजर में कुछ नहीं रखना, फ्रिज में नहीं रख, फ्रीजर में नहीं रखना, फ्रीजर में आपको यही रखना है, कभी भी रखोगे तो फ्रीजर में ही रखोगे। ये अगर क्रश आ जाए तो स्क्रीन को आप साफ कर देना, नहीं तो आपकी पूरी केक पे आएगी। ठीक है, ज्यादा जोर से घुमा देंगे तो केक भाग क्रीम बाहर आ जाएगा, बैठ जाएगा। एक बार श्यामा भाभी को हो गया था, मैम थोड़ा जोर से घुमा दो केक उठ के हो गैस पे खड़े, एक बार हो जाता है, छोटा ही था साइज, वो जोर से ऐसे घुमाया ना टर्निंग में, वो उछट के वो उसको चल गई। ये 1 केजी का बेसन है मैम? नहीं हां नहीं 1 केजी, हाफ केजी का बनाया है, थोड़ा ही ज्यादा है मैम, ये 1 पंच, हां हां 1 हाफ केजी, 1 केजी का है, 1 केजी हाफ केजी वाला, वो छोटा वाला मैं जो लेके गई थी, वो वाइसिंग के बाद हो जाएगा 1 केजी। अब हम आपको इस पे रखना बताते हैं, ठीक है ठीक है। मैम जैसे कि आपने पहले ये क्रीम लगाई, इसको पहले नहीं रखा, पहले हम ऐसे बता रहे हैं आपको, क्योंकि अभी जब आप बनाओगे इस पे रखोगे तो आपका ये भागता है, इसके नीचे आप एक कॉटन का कपड़ा रखोगे, तब बेस रख करके उसके बाद कॉटन कपड़ा बिछा के फिर ये रखते हैं ना। हाँ, एक बात, दूसरी बात, हमारी जितनी फिनिशिंग इस पे आएगी उतनी फिनिशिंग हमारी इस पे नहीं आ पाएगी आप लोगों को, आप लोग फर्स्ट बार बनाओगे, इसलिए मैं बता रही हूँ पहले इस पे बना देना, हम तो इसी पे ही बनाना बताएंगे आपको, अभी इसी पे ही बनाएंगे, टर्न टेबल पे बार बार बनाएंगे, लेकिन आपको बताने के लिए, अगर आप टू टायर भी बनाते, टू टीयर केक भी बनाते हो, पहले ये बना के आपको इस पे रख देना है, फिर छोटू से बनाना है, फिर जिस टिन से बनाए रहोगे ना, जैसे 1 केजी का है तो हाफ छोटू वाला हाफ केजी में बनाओगे, उस हाफ केजी टिन को इसके ऊपर ऐसे रख के सेट कर दोगे, बीच में सेंटर में होना चाहिए, फिर उस टिन को उठा लेंगे, जो उसका बेस जब उठाएंगे तो उसी ही सर्कल पे रख देंगे। टू टायर वाला भी मैं यहीं पे सिखाना आइसिंग करना, टू टायर वाला भी यहीं पे सिखाना आइसिंग करना, ऐसे ही बनेगा, आप पहले बनाइएगा, बेस हम ले आएंगे बना के, आइसिंग आप सिखा देना मम्मा, बताएंगे जी, हमसे उठने में दिक्कत आ सकती है, वही तो पता लगा हमारा टूट गया बीच में, तो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, बेस को ये वाली प्रॉब्लम है ना मैम, आपने तो खा दिया, थोड़ा इसको थोड़ा कर दिया, तो बस वेरी गुड, मैम को आता है उठाना, मैम को आता नहीं है, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप घर पे कर रहे हो वो काम और आप 10 लोगों में, ठीक है, सुपर रेड वेलवेट कलर में जो यूज हुआ था, सारी क्रीम में नहीं मिलाएंगे क्योंकि इसके लिए बनाने के लिए हम ग्रीन कलर भी मिलाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको पूरा क्रीम मिला देते हैं, अगर आपको ऐसे सेट टाइप में चाहिए तो पूरा नहीं मिलाइएगा, ऐसे पाइपिंग बैग में डाल दीजिएगा, ठीक है, वो भी डिजाइन हम बताएंगे बाद में बताएंगे। मैम ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, ऐसे भी डाल दो, सेट डाल, मुझे पता था इसीलिए हमने पहले ही बता दिया कि ठीक है, पहले आप ऐसे मिलाना इसको सीख लो बढ़िया से, उसके बाद वो भी हम बताएंगे उसको क्या है, उसको तो आप पैकेट में ऐसे एक ड्रॉप डाल के व्हाइट वाले में भी चला सकते हो, ठीक है, तो सेट आ जाएगी ना, आ जाएगी, बस देखो 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 बन गया, अभी भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा होगा ध्यान देना होगा, हमारे नहीं धक्का दे देता है आज हमारे केक क्लास का, कौन सा कलर है, इसी के लिए अलग क्या टाइम क्या हो रहा है, आइसिंग जेल कलर रेड कलर, ठीक है, ये वो कलर है रेड वेलवेट वाला केक, जो हमारा बैच अभी मतलब कंप्लीट हुआ है उसका आप टेस्ट है, हाँ रेड वेलवेट में जो डाला था अभी कंप्लीट हुआ है, हाँ केक का अभी अभी कंप्लीट हुआ तभी देना है बैच चलाए हैं, अभी तो आप आए हैं छुट्टी से, नहीं मैम मैं बहुत क्लास दे चुकी हूं, ये हमारा बना है, इसी से डिजाइन बनाएंगे, ये हम डिजाइन के लिए ये कलर अंदर डाल देते हैं, इसमें हम दो कलर मिलाएंगे इसलिए थोड़ा बचा के कर रहे हैं, क्रीम को और अच्छे से मिला लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो मेरा ग्रीन कलर नहीं बन पाएगा।
ग्रीन और पिंक बनाओगे ना? ग्रीन से लीफ बनाएंगे और इसे बनाएंगे फ्लावर। वाओ कितना सुंदर फूल बन गया। हां इनको तो फ्रेशिंग देना होगा। आइसिंग इतनी अच्छी हो रही ना। ईयर ले लिए। मैम हम भी कर सकते हैं कि ट्राई? दूसरी हमारी ये बनती है, देखिए कौन सी वाली जा रही है आपके सामने। ये की नोजल से इसीलिए नोजल प्रैक्टिस भी कराते हैं कि मैम ये तो यहाँ से तो गिरेगा कुछ नहीं है। इधर मत बनाना। ओके बड़ा सुंदर लग रहा है ना। ये वाला ट्राई मारूंगी आज पूरा बैठा से। पहले ही दिन बना दूंगी मैं, आज ही बना दूंगी मैं अपने लिए केक खुद बनाऊंगी। ठीक है आप कहते हैं फिनिशिंग बहुत है। नहीं फिनिशिंग नहीं है अभी, बहुत है ना नहीं। ये आप लोगों को लग रहा है अभी तो सिखा रहे हो। कोई बात नहीं, ये सिखाना हमारा शौक है। हमको लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका क्लास हम नहीं किया। मैं सारा कोर्स करना चाह रही हूँ, मेरे पास सिर्फ मार्च तक का टाइम है। कोई बात नहीं, हर जगह क्लासेस मिलेंगी आपको। नहीं नोजल नहीं हो तो आप कट कर सकते हैं। हाँ दादा कोई ये देखिए चश्मा नहीं लगाया है, चश्मे की भी जरूरत पड़ती है। ये मैंने कटिंग कर दी है। कौन भी बना देंगे। हाँ अच्छा लंबाई में काट दिया पहले उसमें ना। कौन से कौन टाइप का काटना है मैम? कुछ बात है नोजल भी नहीं आई तो लीसी से काट लेते हैं। ठीक है मैम क्रीम तो बहुत यूज हो गए ना, आधी क्रीम यूज हो गई ना आपके डब्बे की? मैंने तो कही ना मैम आधी नहीं, आधी नहीं हुई। ये ग्रीन कलर है हमारा, इसमें एक केजी के दो केक बनेंगे। एक हाफ के एक हाफ केजी का बनता है इतना ज्यादा। एक केजी के दो और एक हाफ मतलब ढाई केजी केक बनता है। दो केक और बनेंगे यार, ये ढक्कन नहीं लाए हैं। नहीं इसको थोड़ा गुनगुने पानी से धुल करके आप दो बार तीन बार यूज कर सकते हो। जब आपको लगे कि नहीं अभी ठीक नहीं लग रहा है तो फिर ये स्प्रे कर इसको फिर चला के देखो सही कर रहा है बिना चश्मे काटे बन गया। ठीक है समझ में आ रहा है। देखो नोजल प्रैक्टिस हम रखेंगे यही बताने के लिए रखेंगे। ठीक है हम टेस्ट लेना टेस्ट आया सीखना होगा ना। पाँच का होगा ये अभी थोड़ा दो करके जाना सारे टेस्ट वाले आ रहे हैं। पाँच तरह से बना के लेके आना नहीं पूरा आइसिंग करके लाना है। पाँच घर से बना के लेके सब हो जाएगा बेटा धीरे धीरे सब हो जाएगा। परेशान नहीं हुई अभी इसका जो हो रहा है ना ऐसे सब हो जाएगा। हम बैठे किस लिए इसीलिए पहले वाले चीज का बच्चा परेशान करने लगा ना। आपका जूस जैसे चल रहा है ना सदा लोग खत्म किए का देते हैं सर। नहीं उन्हें ऑर्डर के लिए तैयार आपकी इच्छा हो तो आप अंदर भी बना सकते हैं। नहीं तो बाहर ही बना दो। ये हो जाता है किट किट हो जाता है। ये अच्छा चीज अच्छा फूल बना सकते हैं अंदर नहीं इससे पत्ती बना सकते पत्ती अच्छा बन गया। नहीं मारा भैया नहीं मारा बाद में देखेंगे। हमसे भी पहली बार में ऐसा बन जाएगा नहीं बनेगा ना। नहीं मारा भैया देखने से लगता है कि बन जाएगा लेकिन बनता है ना। यही तो बात है ना देखने और करने में बड़ा फर्क कहलाता है सुनाया आप सब में है इसको ये तो वही है। अभी आपको समझ में आया है? यस आप बताइए कोई so beautiful, so elegant, just looking like a wow.